यो पब्लिक, आज हम फिर से आ चुके हैं कार फॉर सेल की एक और गेम प्ले वीडियो के साथ। एंड जिस किसी को भाई कार फॉर सेल का ऑब्वियसली वर्जन चाहिए एंड्रॉइड में, तो इस वीडियो का फुल वॉच करना। इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि भाई आप लोग किस तरह कार फॉर सेल को एंड्रॉइड में डाउनलोड कर सकते हो, एंड साथ ही गेम प्ले को भी इंजॉय करना। मतलब गेम प्ले के साथ साथ मैं बताने वाला हूँ किस तरह आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। वैसे तो कार फॉर सेल का ऑफिशियल वर्जन अभी तक आया नहीं है एंड्रॉइड वर्जन के लिए, बट फिर भी तुम्हारे भाई ने एक फैन मेड गेम निकाल लिया है जो कि बिल्कुल कार फॉर सेल जैसा ही है। एंड इसमें आप लोगों भी देख सकते हैं जो कि कार फॉर सेल का आ रहा है। वेल, अभी स्टार्ट करते हैं गेम प्ले को। इस गेम को पहली बार ऑन कर रहा हूँ, एंड जो मैंने ऑलरेडी वीडियो डाली है कार फॉर सेल की वो किसी और गेम की थी, मतलब कार फॉर सेल का जैसा ही था। अब यहाँ पर गेम की स्टार्टिंग में ही अपने को कबाड़ उठाने को मिला है, एंड इसको काउंट करा जाए तो 18 कबाड़ मेरे को उठाने हैं। वेल ठीक है यार, अपने घर की सफाई करनी चाहिए। इसी के साथ भाई यहाँ पर हमारा कबाड़ का काम हो चुका है और अभी अपने को ऑफिस ऑन करना है। एंड सबसे पहला हमारा काम होता है भाई बिजनेस का नाम रखना। जिस बंदे ने मेरी कार फॉर सेल की ओल्ड वीडियोस देखे तो उसको पता ही होगा कि पिछली बार मैंने अपने बिजनेस का नाम क्या रखा था। वेल, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो हमने उस बार नाम रखा था टॉमर्स कार। सो इस बार भी हम सेम नाम रखने वाले हैं। अभी फटाफट से अपने ऑफिस पर अपना नाम लिख लेते हैं जिससे कि सबको पता चले कि किसका ऑफिस है। वेल, यहाँ पर हम लिखने वाले हैं टॉमर्स कार। एंड यहाँ पर जैसे मैं कोमा लगाकर ऐसा लगा रहा हूँ, वो कोमा नहीं लग रहा बल्कि स्पेस आ रहा है, तो ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए मेरे को यहाँ पर तोमर कार लिखना पड़ रहा है इस बार। कोई नहीं, यहाँ पर मेरे भाई इसको नेम को रखने के लिए $10 में यहाँ पर खर्च हो रहे हैं, बट अच्छा है, नाम होना चाहिए। एंड इसको एडजस्ट करने के बाद देखते हैं, या काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहा है नाम, बट मैं इसको भाई कलर नहीं कर सकता, अभी मेरे पास 3 रुपये भी नहीं है, एंड मेरे हिसाब से कलर होगा भी नहीं। तो फाइनली यहाँ पर हमारा नाम वगैरह रख चुके हैं, एंड अभी अपने को फटाक से एक कार लेकर बेचनी है ताकि हम अपने बिजनेस की ओपनिंग कर सकें। जो लोग कार फॉर सेल की वीडियो देखते हैं उन लोगों को पता होगा कि कार मार्केट में थोड़ी महंगी कार आती है, एंड अभी हमारे पास स्टार्टिंग में सिर्फ $7,000 हैं, तो इतने में तो कोई मेरे हिसाब से कार मार्केट में गाड़ी नहीं मिलेगी। तो सिंपल सा मेरे को अपने पास के एक विलेज में जाना पड़ेगा, वहाँ से कार उठानी पड़ेगी सस्ती सी, एंड उसको अच्छे खासे प्राइस में बेच कर प्रॉफिट बनाना पड़ेगा। ओके, तो फाइनल यहाँ पर हम $10 खर्च करके विलेज में आ चुके हैं। वेल, मेरे को $10 काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहे हैं क्योंकि मेरे पास ज़्यादा डॉलर नहीं है, एंड मेरे को कार भी खरीदनी है, तो देखते हैं भाई कितने में देगा ये कार। ये क्या डिटेल वगैरह शेयर कर रहा है। अभी इस बंदे ने कार का प्राइस बताया $21,000। अगर ये बंदा बात कर रहा होता ना, मैं इससे एक ही बात पूछता, भाई कार के साथ रसन भी दोगे क्या? मुझे लग रहा था कि उस कार की कंडीशन कुछ ज़्यादा ही बढ़िया थी, इस वजह से इतनी महंगी मिल रही थी, बट अभी जो कार देखी वो 17,000 की, एंड मैंने उसके बाद मैं दूसरे सेलर के पास गया था, वो भी भाई काफ़ी ज़्यादा महंगी कार दे रहा था। बट फाइनली मुझे एक ऐसी कार मिल जाती जो कि $2,600 की आ रही थी, एंड यहाँ पर मैं बार्गेनिंग भी नहीं कर सकता। वेल, अगर आप लोगों को नहीं पता कि बार्गेनिंग होता क्या है, तो बार्गेनिंग का मतलब भाई मोल भाव करना, यानी कि अगर कोई चीज़ आपको 100 रुपये की दे रहा है तो आप उसको बोल सकते हो कि भाई मेरे को 90 की चाहिए, 80 की चाहिए, 120 की चाहिए, बट यहाँ पर मैं वो नहीं कह सकता, तो मैं चुपचाप से यहाँ पर 2600 कुछ की इस कार को उठा लूँगा क्योंकि इससे सस्ती कार मेरे को शायद नहीं मिलने वाली। कार फॉर सेल के एंड्रॉइड वर्जन में भी हमको काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी मिल रही है ऑफिशियल कार फॉर सेल के जैसे, यानी कि PC के कार फॉर सेल के जैसे, क्योंकि उसमें भाई अपने को स्किल वगैरह अप करनी पड़ती जिससे कि हम एक ऑफिशियल खतरनाक वाला बिजनेसमैन बन सकें, जैसे कि हम जान सकें किस तरह बिजनेस होता है, एंड इसमें भी वही हो रहा है। तो यहाँ पर हमको भाई अपने स्किल वगैरह ओपन करनी पड़ेगी जिससे बार्गेनिंग वगैरह कर सकें, अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकें। अभी जल्दी से कार को पार्क कर, अबे यार ठुक और गई, यहाँ पर ऑलरेडी मेरे को काफ़ी कम प्रॉफिट मिलने वाला है क्योंकि 2500 की कार मैंने खरीद दी है, और अभी इस कार को मैंने थोड़ा सा और डैमेज कर दिया है जिससे हो सकता है कि मुझे कम प्रॉफिट मिले। वेल, अभी मैं नहीं जान सकता कि इसमें कितना डैमेज है क्योंकि मेरी स्किल नहीं खुली, इसमें सब कुछ करने के लिए अपने को स्किल्स अप करनी पड़ रही है, एंड मुझे नहीं पता वो किस तरह होगी। वेल, धीरे धीरे वो आ ही जाएगा। तो अभी मैं इसका प्राइस रखने वाला हूँ 5500 रखते हैं, एक बार ट्राई करते हैं कि 5500 की बिकती है नहीं, अगर नहीं बिके तो मैं इसको और कम प्राइस में निकाल दूंगा क्योंकि फर्स्ट कार है, एंड मैं चाहता हूँ इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। वेल, अभी देखते हैं अपने, कोई मेरे हिसाब से कोई ग्राहक आया है बाहर, तो जल्दी से जाकर देखते हैं कितने के ले रहा है कार। ओके भाई, यहाँ पर 2 ग्राहक आ गए, एंड मेरे हिसाब से मैं ज़्यादा प्राइस लगा सकता था। वेल, अभी ज़्यादा लालच नहीं करते, क्या पता फिर बाद में ग्राहक ही ना आए। अभी फटाक से देखते हैं हम कितने के बेच पाते हैं इसको, क्योंकि ये भी भाई कम प्राइस लगा देते हैं, खुद बार्गेनिंग कर लेते हैं।
वेल यहाँ पर मेरे को ये दे रहा है 5500। ठीक है, मतलब जितने का मैंने प्राइस बोला था उतने की कार बिक चुकी है, तो इसी के साथ काफ़ी ठीक ठाक प्रॉफिट हो चुका है। मतलब दुगने में मैंने बेच दिया है कार। आज का पूरा दिन मेरे सिर्फ एक कार खरीदने और बेचने में निकल गया है। काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क होने वाला है एंड अब यहाँ पर हम सो जाते हैं, कल का वेट करेंगे। तो यहाँ पर काफ़ी ठीक ठाक भाई प्रॉफिट मैंने पहले दिन में कमा लिया। ओ माई गॉड, दुगना प्रॉफिट कमाया। मतलब कि 2600 की कार बेची थी एंड 2800 रुपये का मेरे को प्रॉफिट हुआ है पहली कार में ही। यार काफ़ी ठीक ठाक था। अब यार ये कचरा कौन गिर कर जाता है? मतलब इस गेम में मेरे को कोई बंदा घूमता नहीं देखता, बट जैसे ही मैं सो कर आया हूँ मेरे को यहाँ पर कचरा मिला है। अगर इस गेम में हुआ ना कि हम मैन पावर यूज़ कर सकते हैं, तो मैं भाई बड़ा बिजनेसमैन बनने के बाद फटाक से एक बंदा रखने वाला हूँ साफ सफाई के लिए। वेल अभी तो मैं खुद ही ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पा रहा, अपना पता नहीं घर भी कैसा चलेगा। खैर अभी हमारा ऑफिस ऑन हो चुका है एंड अभी चलते हैं, देखते हैं कार मार्केट में अपने को क्या ही मिलने वाला है। यार $10 लग रहे हैं कार मार्केट जाने में। ये $10 मेरे को काफ़ी ज़्यादा दुख रहे हैं। मेरे पास अभी बहुत कम रुपए हैं तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है $10 खर्च करने में। वेल अभी देखते हैं कितना प्राइस मांग रही है इस कार का। तो ये मांग रही है 6623 रुपये। वेल उठा ही लेता हूँ, इतनी सस्ती कार मेरे को शायद मिलने वाली नहीं है और कहीं, तो इसको उठा लेते हैं एंड चलते हैं जल्दी से भाई बेचने। मेरे हिसाब से यार अगर 12000 की बिक गई ना तो काफ़ी ज़्यादा मतलब मज़ा आ जाएगा। इसी तरह भाई दुगने पैसे बिकता रहा तो बहुत जल्दी मैं अमीर बनने वाला हूँ। ओके फाइनली हम पहुँच चुके हैं अपने ऑफिस पर। भाई इस वाली कार को ना जरा सा रिपेयर करा के बेचते हैं, शायद 500-600 रुपये लग के मेरा भाई 1-1.5 हज़ार का प्रॉफिट हो जाए एंड वो बेकार नहीं होगा। मतलब 500 रुपये लगा के अगर मैं 1000 कमा रहा हूँ ना तो वो मेरे लिए बेकार नहीं होने वाला। तो जल्दी से अभी कार को लगा देते हैं यहाँ पर रिपेयर होने। तो यहाँ पर भाई अभी 820 रुपये रिपेयर क्यों मांग रहा है? खैर कोई ना, लगा देते हैं यार, देखा जाएगा शायद हो जाए ज़्यादा प्रॉफिट। वैसे काफ़ी ज़्यादा खतरनाक एनिमेशन लग रहा है ये रिपेयरिंग वाला। अभी मेरे को नहीं पता इसमें रिपेयर होने में कितना टाइम लगने वाला है, बट जिस हिसाब से रिपेयर कर रहा है तो शायद ले सकता है 30 सेकंड या 1 मिनट के करीब में टाइम। या फाइनली हमें यहाँ पर रिपेयर हो चुकी है एंड इसमें भाई 2.5 से 3 मिनट रिपेयर में लगी थी, काफ़ी ज़्यादा भाई टाइम ले लिया इसने रिपेयरिंग में। ओके तो यहाँ पर हमारी फुली रिपेयर हो चुकी है। डर्ट वगैरह मेरे को नहीं पता कि किस तरह ये क्लियर होगी एंड अभी फटाक से चल के इस कार को लगा देते हैं शोरूम में और बेच देते हैं। यार मेरे को ट्रेवल करने के लिए ना हर बार $10 खर्च करने पड़ रहे हैं, तो मेरे को कार रखनी है बट मेरे पास अभी इतने डॉलर है ही नहीं कि मैं एक एक्स्ट्रा कार रख सकूं। अगर मैं एक कार परचेज कर लेता हूं तो मेरे पास दूसरी कार परचेज करने के लिए रुपए ही नहीं रहते। एंड गाइज अगर आप लोग अभी तक वीडियो को देख रहे हो तो फटाक से वीडियो को लाइक कर दो, और जो बंदा APK के लिए वीडियो को वॉच कर रहा है तो उसको मैं बोल देता हूँ कि वीडियो को ये फुल वॉच कर लो, आपको समझ में आएगा कि किस तरह गेम खेलना है, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड मैं बता रहा हूँ भाई इस वीडियो में आपको 110% इस गेम का APK पकड़ाने वाला हूँ एंड ये गेम आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिल रहा, इसको आपको डाउनलोड ही करना पड़ेगा APK से। अभी इस कार का सेलिंग प्राइस हमने 13000 लगाया है क्योंकि इस कार की टोटल कॉस्ट वगैरह लगा के ना $7500 तक पहुंच चुके हैं, यानी कि हमने एक्सपेंसेस वगैरह जो किए हैं उन सभी को काउंट करें तो यहाँ पर हमारी कार $7500 की हो चुकी है। एंड मैं इससे कम में नहीं बेचने वाला, यानी कि 8000 या 9000 कोई देगा तो मैं बेच दूंगा क्योंकि मेरे को ज़्यादा प्रॉफिट नहीं चाहिए, बिकॉज इतनी बड़ी कार नहीं है कि काफ़ी ज़्यादा मार्जिन बचा के दे। वैसे एक चीज़ इसमें मैंने नोटिस करी है, जैसे इस कार को मैंने सेल पर लगाया ना तो इसके ऊपर टैग लग चुका है फॉर सेल, बट जो पुराने PK था जिसकी मैंने गेम प्ले वीडियो डाली थी उसमें ऐसा कुछ नहीं था। वेल अभी इतने में हमारी कार नहीं बिकी है तो अपने को प्राइस एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को पता था कि 13000 काफ़ी हाई प्राइस है इस कार के लिए। और अभी मैंने एक न्यू प्राइस सोचा जो कि है 10000 एंड मेरे हिसाब से 10000 काफ़ी ठीक ठाक है। अगर 10000 की कार बिकती है ना तो मेरे को यहाँ पर 1500 का प्रॉफिट हो जाएगा। वैसे भी कचरा पड़ा है ग्राउंड में, मैं एक बार इसको उठा के लाता हूँ। ओके देखते हैं भाई क्या, भाई ये कचरा नहीं है क्योंकि मैं इसको उठा नहीं पा रहा एंड देखा जाए तो सही से एक पत्थर है, इतना गंदा ग्राफिक थे। खैर ठीक है यार, एक PC गेम को इन्होंने एंड्रॉइड में कन्वर्ट कराया तो थोड़ा बहुत तो भाई एडजस्ट करना पड़ेगा। वेल यहाँ पर आप जितनी भी स्क्रीन में देख रहे हो सारी की सारी स्किल्स हैं, हमको ये ओपन करनी पड़ेगी जब जाके हम बहुत ही बड़ा बिजनेस एक अपना एम्पायर यहाँ पर कार फॉर सेल में खड़ा कर सकते हैं। वेल यहाँ पर कोई ग्राहक आया है तो एक बार से बातें कर लेते कितने की लेगा इस कार को। अभी इसका प्राइस मैंने रखा है 8500 क्योंकि 10000 में भी ये बिक नहीं रही थी एंड वो क्लिप मैंने काट दिया है। वैसे ये बंदा भी इस कार के लिए 8500 देने के लिए तैयार है एंड ठीक है यार, मेरे को 1000 का प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि हमारी टोटल कॉस्ट बैठी थी इसमें 7500 या $7500 बैठी थी।
एंड मैं इसको अभी सेल कर देता हूँ, ज़्यादा नहीं सोचता क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि इससे ज़्यादा प्रॉफिट ये कार मेरे को कमा के देने वाली है। और अभी आप सभी लोग भाई कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है, जल्दी से कमेंट करो। ये क्या यार, मेरे को थोड़ा सा ग्राफिक भाई लग रहा है कि और ज़्यादा अगर ये एडजस्ट करते ना तो मज़ा आ जाता, बट ठीक है। वेल दोबारा से जा रहा हूँ मैं कार मार्केट में, मुझे एक और कार वहाँ से निकाल के लानी है क्योंकि अभी मेरे पास काफ़ी सारा टाइम पड़ा है एंड मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर टाइम वेस्ट करूँ मैं, मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, बहुत जल्दी एक बड़ा बिजनेसमैन बनना है मेरे को। काफ़ी ज़्यादा बाजार में ढूंढने के बाद फाइनली हमको यहाँ पर एक कार मिल चुकी है जो कि 8,500 कुछ डॉलर में अपने को मिल रही है। तो मैंने फाइनली इस कार को चुपचाप से खरीद लिया है। यार मैंने एक बात नोटिस करी है, सभी गेम ना स्टार्टिंग में ईजी होते हैं ताकि वो ऑडियंस को अपने पास पकड़ सके, बट यहाँ पर उल्टा है। कार फॉर सेल यहाँ पर स्टार्टिंग में हार्ड है क्योंकि आप अपना बहुत ही कम प्रॉफिट कमा रहे हैं। वेल प्रॉफिट की बात है बाद में करते हैं, अब यहाँ पर रात हो चुकी है तो चलते हैं सोने। वैसे मेरा ऑफिस अभी खुला पड़ा है बट मेरे हिसाब से इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि इस गेम में ज़्यादा बंदे ही नहीं, चोर कहाँ से आएंगे एंड ऑनलाइन ये है नहीं। वेल यहाँ पर मेरे को 6,629 रुपये का लॉस दिखा रहा है। जिस बंदे ने इस गेम को बनाया है उस बंदे को भाई बैलेंस शीट की नॉलेज ही नहीं है क्या? अरे यार मतलब इसने मेरे को 6,000 का लॉस दिखा दिया बट मेरे पास 8,500 की एक एसेट पड़ी है यानी कि कार पड़ी है, उसको कौन काउंट करेगा भाई? ये सीधे लॉस नहीं है। उस बंदे ने मेरे को ये दिखा दिया कि तूने 6,600 रुपये गंवाए हैं बट जो कार खड़ी है उसको कौन देखेगा। वेल यहाँ पर मैंने बार्गेनिंग की स्किल ओपन कर ली, मेरे पास एक पॉइंट था तो मैंने उससे स्किन ओपन कर ली। वेल अभी जल्दी से चलते हैं एंड कार को पार्क कर देते हैं। वाह मैं कार को डैमेज क्यों करता हूँ, जब देखो भाई फटाक से डैमेज कर देता हूँ। चलो कोई बात नहीं, अभी इस कार को धीरे से साइड में लगा देते हैं एंड यहाँ पर हमारा ऑफिस फिर से गंदा हो चुका है, किसी बंदे ने यहाँ पर फिर से कबाड़ा गिराया, तो फटाक से भाई इस कबाड़े को उठाते हैं एंड डस्टबिन में फेंकते हैं। यहाँ पर भाई कौन बियर पी के गया था बे? खैर कोई बात नहीं। वेल आज कार ऑक्शन भी है 11 बजे, तो मुझे 11 बजे से पहले इस कार को बेचना है, बट यार सबसे पहले मेरे को ऑफिस को क्लियर करना पड़ेगा, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गंदगी हुई पड़ी है एंड गंदे ऑफिस में मेरे हिसाब से ग्राहक नहीं आने वाले, तो जल्दी से सफाई वफाई कर लेते हैं और सोचते हैं कि इस कार को मैं कितना बेच सकता हूँ। अभी तक टोटल खर्चा है इस कार का 8,500 कुछ रुपए का हुआ है, तो फिर मैं देख सकूँ कितने का, 10,000 या 12,000 कुछ इस टाइप का अगर मैं रखता हूँ तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। वेल मैं 10,000 की सोचता हूँ क्योंकि मैंने ओल्ड कार बेची और बस मेरे को 1,000-2,000 का प्रॉफिट हुआ था। ओके तो फाइनली यहाँ पर ग्राहक आ चुके हैं एंड अभी देखते हैं मैं इस कार को कितने का बेच सकता हूँ। वैसे मैंने 10,000 प्राइस लगाया तो 10,000 से ज़्यादा के तो कोई लेने वाला है नहीं एंड यहाँ पर मैं बार्गेनिंग वगैरह स्टार्ट कर देता हूँ। तो मैं अभी मैं ट्राई करता हूँ कि 10,000 की जगह $12,000 में एक कार ले ले, बट से सीधे सीधे मना कर देती है कि भाई नहीं 12,000 में नहीं होगी, तो यार 11,000 की भी ट्राई कर सकती है, वैसे 10,000 में तो लेने वाली है एंड 11 की ले लेगी तो काफ़ी फ़ायदा है मेरा, 2,500 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो अभी जल्दी से इसको 11,000 ऑफर कर देते हैं एंड यार मेरे हिसाब से उठा लेगी 11,000 में तो। अरे यार ये नहीं ले रही, अपनी यहाँ बार्गेनिंग की स्किल भी ख़त्म हो चुकी है, मतलब मैं सिर्फ 2 बार बार्गेन कर सकता हूँ। वेल मैंने 10,000 में इस कार को बेच दिया एंड यहाँ पर मेरा 1,500 से कुछ डॉलर कम का प्रॉफिट हो चुका है। तो दोबारा चलते हैं यार यहाँ पर कार मार्केट में। वैसे अभी आप में से कुछ लोग सोच रहे हो कि मैं कार ऑक्शन में क्यों नहीं गया, यार कार ऑक्शन सिर्फ 11 बजे से स्टार्ट था एंड अभी 12 बज चुके हैं, यानी कि अब तक कार ऑक्शन भाई स्टार्ट हो गए ख़त्म भी हो चुका होगा और यहाँ पर मेरे को भाई कार ऑप्शन का ऑप्शन ही नहीं मिला, मतलब इसमें है ही नहीं कि मैं कार ऑप्शन पे कैसे जाऊँगा। वेल कार मार्केट में भी कोई कार नहीं आज, क्योंकि आज कार ऑप्शन था तो आज मार्केट बंद है, तो क्या करें भाई, अपने पास सिंपल सी चीज़ बची है विलेज में जाना। वेल अभी गेम प्ले बाद में देखना एंड अभी मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोग इस गेम को किस तरह डाउनलोड कर सकते हो, तो आप लोगों को जाना है मैं डिस्क्रिप्शन में एंड वहाँ पर लिख रहा हूँ कार फॉर सेल APK लिंक, तो उस लिंक पर क्लिक करना है एंड वहाँ पर आपको कुछ लिंक ओपन करते टाइमिंग वगैरह चल रही होगी तो आपको वेट करना है एंड वेट करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कंटिन्यू या फिर डाउनलोडिंग लिंक वगैरह का, उस पर क्लिक करोगे तो इसी तरीके से भाई 2-3 बार आपको वेट करना पड़ेगा एंड उसके बाद फाइनली आपको एक लिंक मिल जाएगा जहाँ से आपको मीडिया फायर का लिंक मिलेगा, उस मीडिया फायर से आप डाउनलोड कर लेना। तो अभी वीडियो को लाइक कर दो और कोई प्रॉब्लम आए APK को डाउनलोड करने में खेलने में तो मेरे को भाई कमेंट कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो एंड आप चाहो तो हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन कर सकते हो वहाँ पर मैं, और अगर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं मिलता, वेल ऐसा होगा नहीं, बट अगर आप खो जाते हो आपको कहीं नहीं दिखता है तो आप मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो, वहाँ पर एक अपडेट नाम का चैनल होगा जिसमें मैंने लिंक डाल रखा होगा, तो आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो।
वेल, अब ये कार मैंने खरीद ली $3400 की। काफ़ी टाइम बार्गेनिंग करी बट वो नहीं माना उसको 3000 और 2500 के करीब में। तो अभी चलते इस कार को देखते हैं। एंड यार वीडियो लाइक कर दो भाई, मेरे को नहीं पता भाई कुछ भी करो पर वीडियो को लाइक करो। तो अभी चल के इस कार को बेच देते हैं। एंड इससे पहले मैं इस कार को रिपेयर करने वाला हूँ क्योंकि ये सिर्फ $3400 की मेरे को मिल रही है। एंड इसे मैं थोड़ा बहुत खर्चा कर दूंगा तो मेरे को ठीक ठाक प्रॉफिट कमा के दे सकती है। यानी कि $3400 की कार अगर मैं $7000 बेच देता हूँ तो मेरे को काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला है। वेल, इस कार में अभी सिर्फ ₹500 का खर्चा आया है एंड ठीक ठाक है यार, और ये जल्द ही रिपेयर हो गई मतलब 3 मिनट में। लोल, वैसे अभी आप लोगों को कोने में एक बंदा बैठा हुआ दिख रहा होगा एंड मेरे को लगता है कि ये बंदा सिंपल सा भाई कार की धूल वगैरह साफ करने के लिए, क्योंकि जब मैंने रिपेयर कराई थी उस टाइम कोई ऑप्शन नहीं था, इसके पास किसी चीज़ का ऑप्शन नहीं आ रहा, यानी कि भिखारी है। लोल, मैं भिखारी को एक धूल साफ करने वाला समझ बैठा था। अभी जल्दी से इस कार को अपने ऑफिस में पार्क कर देते हैं एंड इसका प्राइस लगाते हैं। 7000 के करीब में अगर मैं लगाऊंगा तो मेरे हिसाब से बिक जानी चाहिए ये कार, बट अभी मैं 10000 ट्राई करता हूँ क्योंकि मेरे को पता यार मेरे को एक आध बार प्राइस तो चेंज करना ही पड़ेगा, बट फिर भी रिस्क लेते हैं। अगर 10000 की बिक गई तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मेरे को होने वाला है इस कार में। यहाँ पर मुझे काफ़ी देर होगी बैठे बैठे, बट मेरे को नहीं लगता कोई ग्राहक भी आएगा, बट फिर भी मैं एक बार राउंड मार के आता हूँ। एंड जैसे ही मैं अपने घर के बाहर वापस आया तो यहाँ पर एक ग्राहक खड़ा है ऑलरेडी। इस कार का प्राइस मैंने 10000 लगाया था एंड अगर थोड़ा बहुत कम भी करेगा तो मेरे हिसाब से यार 7000 या 8000, 3100। ये बंदा बंदी मेरे को 3100 रुपये दे रही है। अरे यार इस कार में मैंने 4000 का टोटल खर्चा, मेरा हाथ लग गया लोल, मेरा सही पे हाथ लग गया है। 4000 का खर्चा करा था, कुल मिला के 800-900 रुपये का मैं लॉस इसके साथ उठा चुका हूँ। वेल यार अभी आप लोग भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं फिर अलग किसी और वीडियो के साथ। एंड अभी आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को क्या ही चीज़ पसंद है, मतलब कार फोर जेल चाहिए, कुछ और चाहिए, कुछ न्यू गेम चाहिए, तो आप वो भी कमेंट कर सकते हो। तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। एंड डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो, हमारा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें होती हैं, मज़ा आता है डिस्कॉर्ड में। अभी जाओ।